हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार तिवारी फ्रॉम द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है फिजिक्स एमसीक्यू सेट नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान के सफ़र करने पर आकाश का रंग दिखाई देता है, काला, नीला, लाल, पीला। इसका सही जवाब है काला। प्रश्न संख्या दूसरा है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान वही बना रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, बढ़ता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक, उल्टा, वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, काल्पनिक। प्रश्न संख्या चार है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, यूरेनियम। इसका सही जवाब है डी, यूरेनियम। प्रश्न संख्या पाँच है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, मनोविज्ञान, जनसंख्या, मुद्रा, प्रचलन, ध्वनि। इसका सही जवाब है डी, ध्वनि। प्रश्न संख्या छः है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है, जल की, लोहे के टुकड़े की, बेंजीन का और स्वर्ण का टुकड़ा का। इसका सही जवाब है ए, जल का। प्रश्न संख्या सात है, रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है, ब्रनोली प्रमेय पर, संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, संवेग संरक्षण पर। प्रश्न संख्या आठ है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति सहसा गिर जाती है, बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है। इसका सही जवाब है डी, वैसी ही रहती है। प्रश्न संख्या नौ है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या दस है, सूर्य ग्रहण कब होता है, चतुर्थांश, चंद्रमा के दिन, किसी भी दिन, प्रतिपदा के दिन, और है आपका डी, पूर्णिमा को। इसका सही जवाब है सी, प्रतिपदा के दिन पूर्णिमा होता है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, गर्म हवा द्वारा, सूर्य की किरणों द्वारा, भाप द्वारा, ये सभी के द्वारा। इसका सही जवाब है आपका सी, भाप के द्वारा। प्रश्न संख्या 12 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान, त्वरण, वेग, कोणीय वेग। इसका सही जवाब है आपका ए, द्रव्यमान की प्राप्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 13 है, लेसर का आविष्कार किसने किया था, सेमूर के, टी एच मेमन ने और सर फ्रैंक फिंटल, लास्ट है फ्रेड मॉरिसन ने। यहाँ पर जो भी प्रस्तुत किया गया ऑप्शन है, यह कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं है। इसका जो निर्माण किए थे उनका नाम था चार्ल शॉर्ट टोन्स, जबकि मेमन जो थे, जो ऑप्शन बी में दिखाया गया है, यह सहायक इंजीनियर के रूप में या साइंटिस्ट के रूप में काम किया करते थे। इसलिए मैं अब आगे बढ़ूंगा। प्रश्न संख्या 14, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, घटता है और कहता है कि 1/4 हो जाएगा। इसका सही जवाब है बी, दुगना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, व्यतिकरण है, प्रकाश है, प्रकीर्णन है, अपवर्तन है। इसका सही जवाब है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवन, विवर्तन। इसका सही जवाब है सी, ध्रुवन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 17 है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में किसके कारण होते हैं, विक्षेपण के कारण, विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 18 है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं,
हिमीकरण, वाष्पीकरण, संघनन और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, वाष्पीकरण। प्रश्न संख्या 19 कहता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। डोमेन होता है, हेनरी होता है, वेबर होता है और गॉस होता है। इसका सही जवाब है डी, गॉस होता है। प्रश्न संख्या 20 है विद्युत मात्रक की इकाई क्या होती है। वोल्ट होता है, वाट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है। इसका सही जवाब है डी, एम्पियर होता है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो या हमारे द्वारा चलाया गया मुहिम या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।